गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने कुछ सिंपल प्रोग्राम की प्रैक्टिस की थी, आज उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्रामिंग में आज हम सीखेंगे कि हाँ पावर कैसे कैलकुलेट होता है, अगर स्क्वायर रूट निकालना तो स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। एक प्रोग्राम और देख लेते हैं पहले, उसके पहले कि अगर आपको कहा जाए कि राइट प्रोग्राम टू एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू नंबर्स, ओके। अगर ये प्रोग्राम बनाना है, मींस एक ही प्रोग्राम बनाना है, इसमें सारे काम हो जाए, ऐड भी कर ले हम दो नंबर को, मल्टीप्लाई भी कर ले, सब्ट्रैक्ट भी कर ले और डिवाइड भी कर ले, ओके। चलिए बात करते हैं इस प्रोग्राम को बनाने के दो तरीके मैं बता रहा हूँ। एक तो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके, और दूसरा जिसमें हम वेरिएबल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। दोनों का देखेंगे कि हाँ दोनों प्रोग्राम में अंतर क्या है, अगर एक तीन ही वेरिएबल के हिसाब से काम करें तो क्या दिक्कत आएगी। चलिए बात कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं मेन, ओके। अगर मैं फार्मूले की बात करें तो ऐड करने के लिए फार्मूला क्या होगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए माइनस बी, सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी एंड सी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, ओके। अगर मैं सिर्फ हर जगह सी का इस्तेमाल करता हूँ तो इस प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा, तीन वेरिएबल मैं ले रहा हूँ ए बी सी। सबसे पहले मैंने कहा कि अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से इनपुट आपको देने पड़ेंगे। तो इसमें हर जगह आप केवल ए बी की वैल्यू दीजिए, सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन मैसेज दे दिया मैंने, इंटर टू नंबर्स, अब मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए, दोनों इंटीजर वैल्यू है, परसेंट डी एंड ए एंड डी। अब लिखा मैंने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड लास्ट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई। अब इसी को मैं प्रिंट करा रहा हूं, प्रिंटर एड इज इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन सी, प्रिंटर सब्ट्रैक्शन इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन सी, और प्रिंटर डिवीजन इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा सी। यही होना चाहिए था, वास्तव में यही होना चाहिए कि मैंने चारों वैल्यू कैलकुलेट की और चारों को मैंने प्रिंट करा दिया। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आंसर जो आना चाहिए वो ना आके सेम आंसर आपको सब जगह दिखेगा। कैसे, चलिए मैं रन करा के दिखा देता हूँ। मैंने क्या कहा कि इस प्रोग्राम को जो मैं रन कराऊंगा, सबसे पहले मैसेज आएगा इंटर टू नंबर्स आप नंबर दीजिए, पहला नंबर सपोज मेरा फोर है एंड सेकेंड टू। अब आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था एड बराबर सिक्स, ओके, दोनों को जोड़ के बताना चाहिए था सिक्स। यहां पे आना चाहिए था सब बराबर, ये आंसर यहां पे आएगा, ठीक है, दोनों को माइनस किया तो टू, ठीक है, फोर माइनस टू टू आना चाहिए था, मल्टीप्लाई आना चाहिए था एट एंड डिवीजन आना चाहिए था मेरा टू। लेकिन ऐसा नहीं होगा, होगा क्या, आपको जो आंसर दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा, क्या एड इज इक्वल टू दो टू, सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू टू एंड डिवीजन इक्वल टू टू, सबका आंसर टू दिखेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहां पे आपने टोटल तीन वेरिएबल लिया है, सपोज ए बी सी, टोटल आपके पास तीन वेरिएबल है। सबसे पहले आपने क्या कहा कि मैं ए और बी की वैल्यू दिया, ठीक है, तो आपने ए की वैल्यू दिया फोर, ए फोर, बी की वैल्यू दिया टू, यहां पे टू, ओके। इस लाइन तक सी के अंदर कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू होगी, अभी आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन
जब सिस्टम इस लाइन के पास पहुंचा होगा तो सबसे पहले क्या हुआ, 4+2, ओके 4+2 6, और ये 6 कहां स्टोर होगा, सी के अंदर, सी के पास चला गया 6, ओके। लेकिन जब अगली लाइन पढ़ा होगा तो जो वैल्यू कैलकुलेटर है वो भी सी के अंदर ही जा रही है, ओके, इसी मेमोरी लोकेशन पे जा रही है। ये जो वैल्यू नया कैलकुलेट कीजिएगा उसको सी में स्टोर करिएगा, तो क्या होगा, सी के पास जब जाएगा नई वैल्यू, तो ये 6 जो वैल्यू उसे रिप्लेस कर देगा, ओके। तो जो 6 है नई वैल्यू से रिप्लेस होगी, इसका मतलब 4-2 कितना होगा आपका 2, ओके। और ये 2 सी के अंदर जाएगा तो ये 6 को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर आपने एक वेरिएबल लिया है जो एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो अगर आपने उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर किया और नई वैल्यू स्टोर करते हैं जब, तो वो पुरानी वैल्यू को रिप्लेस करके नई वैल्यू आपको रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। अब क्या कहा जाए कि बताइए, क्या यहाँ पे ऑपरेशन करने के बाद अभी भी 2 रहेगा, नहीं, अब यहाँ जो नया आउटपुट आएगा वो सी के अंदर जाएगा, इसका मतलब 4 × 2 = 8, तो नई वैल्यू यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगी, 8 स्टोर हो गई, ओके। अगर आपसे कोई पूछा बताइए सी के अंदर कितना है, तो सी के अंदर मेरा क्या है, 8 है। लेकिन जब लास्ट लाइन सॉल्व करेगा तो ये क्या हुआ, 4/2, और इसका आंसर कितना आ गया आपका 2। फाइनल जो लास्ट कैलकुलेशन है वही वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी, दैट इज योर 2। तो हो क्या रहा है, आप एक एक लाइन पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि हाँ सी में पहली बार एडिशन हो गया, दूसरी बार सब्ट्रैक्शन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर कैलकुलेशन आपने एक साथ किया और सेम वेरिएबल में स्टोर करें तो जो लास्ट कैलकुलेशन है वही वैल्यू सी के पास है, और जब आप प्रिंट करा रहे हैं तो हर जगह आपने किसकी वैल्यू प्रिंट कराई है, सी को, और सी को ही प्रिंट कर रहा है, और सी में हमेशा क्या है, 2, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, इस मल्टीप्लाई का भी आंसर भी 2 आएगा, डिवीजन का भी आंसर 2 है, इसीलिए चारों का आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब इस प्रोग्राम को सही कैसे किया जाए, आप क्या करिए कि जो प्रिंट आप सबसे लास्ट में करा रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं कि मैंने क्या कहा कि जब पहले वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, ओके, कैलकुलेट करने के बाद तुरंत उसे पहले प्रिंट करा लो और फिर अगला कैलकुलेशन करो। तो उस केस में क्या होगा, सपोज मैंने क्या कहा कि आपने पहले एडिशन निकाला और नया कैलकुलेशन करके सी में रखने से पहले पुराने सी को आप प्रिंट करा लीजिए, तो वही चीज है, मैंने लिख दिया प्रिंटर एडिशन बराबर एडिशन इक्वल्स टू परसेंट डी गामा सी। अब फायदा क्या होगा कि पहले, ठीक है, इन दोनों नंबर को ऐड करेगा, 4+2 कितना हुआ मेरा 6, पहली वैल्यू सी के अंदर गई 6। अब अगला कैलकुलेशन करने से पहले आपने क्या लिख दिया, प्रिंट है, मींस ये लाइन एग्जीक्यूट होगी आपकी और ये प्रिंट कराएगा और सी की वैल्यू कितनी है, 6, आपको 6 दिख जाएगा। देन आप करेंगे सी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ओके। अब ठीक है, जो वैल्यू रिप्लेस होगी, ठीक है, नई वैल्यू, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमने पुराना वैल्यू क्या कर चुका है, प्रिंट करा लिया है, तो नई वैल्यू जाएगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ओके। और वही काम कीजिए, अब इस नई वैल्यू को सबसे पहले आप प्रिंट कराइए, अगर इससे कहा जाए कि हाँ इस कैलकुलेशन के बाद सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4-2 कितना हुआ, 2। जब ये 2 वैल्यू नहीं आई होगी तो वो रिप्लेस कर दिया होगा पुरानी सी की वैल्यू को, सी की नई वैल्यू 2, और इसे सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, प्रिंट करा लीजिएगा और फिर अगला कैलकुलेशन कीजिए, तो सब बराबर परसेंट डी कामा सी, ओके। सेम ऐसे ही अगला कैलकुलेशन कीजिए, सी इक्वल्स टू ए इंटू बी, और फिर इसे प्रिंट करा लीजिएगा, देन फर्दर कैलकुलेशन कीजिएगा, मल्टीप्लाई बराबर परसेंट डी स्लैश एन कामा सी, अब स्लैश एन लगा दीजिएगा, स्लैश एन मैं भूल गया हूँ लगाना, स्लैश एन कामा सी, यहाँ पे भी आप स्लैश एन का इस्तेमाल कीजिए। क्यों स्लैश एन लगा रहा हूँ, अगर स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो सारा मैसेज एक ही लाइन में आपको दिखेगा, मैंने बताया था जैसे कैसे दिखेगा, एडिशन बराबर 6, उसी के आगे आपको अगला दिख जाएगा सब्ट्रैक्शन बराबर 2, ओके। तो आप चाह रहे हैं ये पहले लाइन में आ गया, न्यू लाइन हो, और अगला मैसेज कहाँ है, न्यू लाइन में, ओके, वही चीज है। और फिर आप डिवीजन कीजिए, सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, और इसे प्रिंट कराइए, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कामा सी, इसे बंद कर दिया, ओके। तो ये है आपका, ठीक है,
पहला तरीका जिसमें मैंने केवल तीन वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, ओके, और इन्हीं तीनों वेरिएबल से चारों कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, ऐड करके प्रिंट करा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करके प्रिंट करा रहा हूँ, डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके प्रिंट करा रहा हूँ, डिवाइड करके प्रिंट करा रहा हूँ, ओके। मैंने रीजन भी बता दिया क्यों लगातार आप प्रिंट करा रहे हैं। अगर आप चारों कैलकुलेशन करने के बाद एक साथ प्रिंट कराएंगे तो केवल जो लास्ट कैलकुलेशन है वही आंसर सी के अंदर होगा और सब जगह वही आंसर आपका प्रिंट होगा, ओके। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर आप चाहते हैं कि मैं सारा कैलकुलेशन एक साथ करूं और फिर एक साथ प्रिंट कराऊं, तब आपको वेरिएबल्स अलग अलग लेने पड़ेंगे, ओके। कैसे? मैंने क्या कहा कि अगर मैं एडिशन कर रहा हूं तो उसको सी में स्टोर करूंगा, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो उसको आप सी में ना करके मैंने कहा उसको डी में स्टोर कर लीजिए, मल्टीप्लीकेशन आप ई में स्टोर करिए और डिवीजन आप ओके एफ में स्टोर करिए। अब यहाँ पे टोटल चार वेरिएबल अलग अलग हैं और चारों अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं, सी के अंदर दोनों का एडिशन है, डी सब्ट्रैक्शन स्टोर कर रहा है, ई, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल्स आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे, सी डी ई और एफ भी लेना। अब ए बी सी डी ई और एफ, तो टोटल आपके 6 ब्लॉक्स हो गए, ओके। अब वो अलग की बात है कि इंटीजर आपका 2 बाइट देता है तो सारे आपके ब्लॉक्स 2-2 बाइट के होंगे, तो यहाँ पे आपके टोटल 6 ब्लॉक्स हैं, सब 4, 2। अब जब ऐड करेंगे तो उसको सी में रखेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब वो डी में जाएगा, ओके। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ई में स्टोर हो रहा है और डिवाइड करेंगे तो एफ में, ओके। अगर मैं कहूँ बताइए एडिशन किस में है तो आप सी की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए, सब्ट्रैक्शन किस में है तो उसके लिए आप डी की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए, मल्टीप्लाई ई है इसको प्रिंट करा दीजिए, एफ के अंदर सब डिवीजन है तो डिवीजन को प्रिंट करा दीजिए। तो यही चीज है, अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग कैलकुलेशन करना और एक साथ कैलकुलेट करके सारी वैल्यू एक साथ प्रिंट कराना चाहते हैं तो उस समय आपको वेरिएबल्स की संख्या अधिक करनी पड़ेगी, हर कैलकुलेशन को अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करिए, प्रोग्राम सेम वैसे ही चलेगा जैसे इसके पहले लिखा था मैंने। आप क्या चाह रहे हैं कि सारा कैलकुलेशन एक साथ हो तो सारा कैलकुलेशन एक साथ कीजिए और प्रिंट स्टेटमेंट सारे एक साथ दीजिए। तो चलिए इसको मैंने कहा कि सबसे पहले लिखूंगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, डी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड एफ इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई, ओके, और इसी को प्रिंट करा दीजिए आप, प्रिंट एफ एड इज इक्वल टू परसेंट डी कामा स्लैश एन कामा सी प्रिंट एफ सब्ट्रैक्शन प्रिंट एफ मल्टीप्लाई परसेंट डी स्लैश एन कामा सी एंड लास्ट वन इज योर प्रिंट एफ डिवीजन इज इक्वल टू परसेंटेज डी कामा, सॉरी ये ई होगा, ये डी होगा और ये एफ होगा। तो ये चीज यहाँ पे मैंने अलग अलग वेरिएबल लिया है, तो अलग जब ले रहे हैं तो चारों कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हैं और चारों को एक साथ आप प्रिंट करा सकते हैं, ओके। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि सेम वेरिएबल पे अगर लगातार कैलकुलेशन करते हैं तो क्या दिक्कत होती है कि लास्ट कैलकुलेशन ही आपके स्टोर रहता है और वही वैल्यू अगर आप प्रिंट कराते तो हर जगह वही वैल्यू प्रिंट होता है, ओके। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है आपको तो आपको अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे, अलग अलग वेरिएबल लेके अलग अलग कैलकुलेशन कीजिए और अलग अलग वेरिएबल में आप स्टोर करिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो ये हो गया सिंपल फार्मूले प्रोग्राम। अब बात कर रहे हैं, अगर सपोज आपसे एक प्रोग्राम कहा जाए कि आप पावर कैलकुलेट कीजिए, जैसे कहा गया राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट एक्स टू द पावर वाई, टू कैलकुलेट एक्स एक्स टू द पावर वाई, ओके। सपोज अगर इसका प्रोग्राम आपको लिखना है कि आपको एक्स टू द पावर वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट करके किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है
और देन उस वेरिएबल की वैल्यू बतानी है कि आंसर कितना आया है। तो ओके, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक्स टू द पावर वाई कैलकुलेट कर रहा हूँ और उसको मैं किस में स्टोर करूंगा, जेड के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, तो टोटल कितने वेरिएबल है मेरे यहाँ पे, तीन वेरिएबल है, एक एक्स, वाई और एक जेड। ओके, प्रोग्राम मेरा बनना कैसे चाहिए, मेन सबसे पहले मैंने कहा कि तीन वेरिएबल हैं, इंट एक्स कामा वाई कामा जेड। ओके, इंट एक्स कामा वाई कामा जेड, तीनों वेरिएबल ले लिया। अब अगर आपको कहा जाए कि हाँ इसमें इनपुट क्या देना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी। जब तक आप एक्स और वाई की वैल्यू नहीं देंगे आप जेड की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम किया कहा कि मैसेज दे दीजिए, प्रिंटर इंटर एक्स एंड वाई भी लिख सकता हूं, मैं लिख रहा हूं इंटर टू नंबर्स, और इसी की वैल्यू मैंने क्या कहा, स्कैन एफ परसेंट डी एंड एक्स एंड वाई, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, जेड इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई। अब बात कर रहे हैं कीबोर्ड पे कितने कीज अवेलेबल हैं, क्या ये चीज आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। तो जेड हाँ लिख सकते हैं, कीबोर्ड पे की होता है जेड, इक्वल टू का भी साइन होता है, एक्स भी होता है, वाई भी होता है, लेकिन कोई ऐसा की नहीं होता है जिससे हम एक्स टू द पावर वाई लिख सके। तो दिक्कत क्या है, कीबोर्ड पे एक सिंबल दिखता है, ये देखिएगा आप कीबोर्ड पे, ये एक सिंबल होता है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था जब ऑपरेटर पढ़ाया था कि ये पावर नहीं है। ओके, ये कौन सा सिंबल है, एक्सोर, तो ये नहीं कि जेड इज इक्वल टू आप लिख दीजिएगा एक्स पावर वाई, ये पावर नहीं है, ये क्या कैलकुलेट करेगा, एक्स एक्सोर वाई। ओके, एक्सोर की खासियत बताया था कि वो बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर है, बाइनरी डेटा पर काम करेगा। क्या कहता है एक्सोर, अगर दोनों अपोजिट होंगे, मतलब अगर वन होगा ये जीरो है या जीरो है तो ये वन है, तब तो ये वन देगा, ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, तो ये आपका पावर नहीं है, तो कैसे लिखा जाए एक्स टू द पावर वाई। अब क्या कहा कि सी में डेनिस रिची जिन्होंने सी को डेवलप किया था, उन्होंने बहुत सारे ऐसे फंक्शन बना गए जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए। तो ऐसे ही अगर आपको एक्स टू द पावर वाई कैलकुलेट करना है तो आप एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए जिसका नाम था पाउ। ओके, पाउ एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो इस्तेमाल तब किया जाएगा जब आपको पावर कैलकुलेट करना हो। ओके, पाउ का फुल फॉर्म अगर कहा जाए तो दैट इज पावर, कैलकुलेट करता है पावर। और पाउ के अंदर दो चीजें होती हैं, पहला तो हमेशा बेस होगा और दूसरा क्या होगा आपका, पावर होगा। ओके, पाउ के पास हमेशा दो वेरिएबल होंगे या दो आर्गुमेंट्स होंगे। ओके, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल पास किए जाते हैं उसे कहा जाता है आर्गुमेंट्स, जो फंक्शन में आगे पढ़ाया जाएगा। तो अभी जान लीजिए ये क्या है आपके आर्गुमेंट्स हैं। तो पाउ के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम दो आर्गुमेंट्स हो ही सकते हैं। ओके, ये नहीं कि अगर सपोज आपको एक्स टू द पावर वाई टू द पावर पी लिखना है तो आप पाउ एक्स कामा वाई कामा पी नहीं लिख सकते। ओके, यहाँ पे एरर है, क्योंकि पाउ का सिंटैक्स क्या कहता है कि हमारे अंदर मैक्सिमम दो ही आर्गुमेंट पास किए जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर x टू द पावर 1 लिखना है तो आप केवल पाउ x लिख दीजिएगा। ओके, ये भी आपका एरर है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट, मतलब दो आर्गुमेंट आपके होने ही चाहिए, आपका एक बेस होना चाहिए और एक पावर होना चाहिए। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि पाउ एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन है और इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स कंपल्सरी हैं, पहला बेस दूसरा पावर। तो चलिए क्या कह रहा हूं मैं, पाउ आपको क्या निकालना है, x टू द पावर y, तो बेस क्या है आपका x है और पावर क्या है y, तो मैंने क्या लिख दिया x कामा y और लास्ट में क्या लगा दिया सिंबल, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब एक बात और, जैसे मैंने कहा था कि printf और scanf अगर ये प्री डिफाइंड फंक्शन है तो इन फंक्शन की डिफिनीशन कहीं ना कहीं लिखी गई होगी। ओके, अब इन फंक्शन के बारे में कहीं ना कहीं लिखा गया होगा, अब उस डिफिनीशन को मुझे सर्च करना है। तो याद करिए एग्जांपल बताया था क्या,
कि अगर आपके पास कोई बुक है और इस बुक में कई सारे डिफिनीशन लिखे गए हैं और आपको किसी डिफिनीशन को सर्च करना है, तो आप बुक के पास नहीं जाते हैं। सबसे पहले उसका क्या सर्च करते हैं, इंडेक्स। और इस इंडेक्स की हेल्प से आपको मिल जाता है कि वो टॉपिक कहाँ डिफाइन है। आप उस इंडेक्स के पास पहुंचते हैं, इस बुक इंडेक्स एड्रेस जानते हैं, पेज नंबर जानते हैं, और फिर बुक पे वो पेज ओपन करके उस टॉपिक के बारे में रीड कर लेते हैं। सेम ऐसे ही अगर पाऊ प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइन करके रखा गया, तो 100% इसकी डिफिनेशन लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं होगी। ओके, हम डायरेक्ट लाइब्रेरी के पास ना जाके इसके इंडेक्स के पास जाएंगे। और इसका इंडेक्स क्या है, किसके अंदर होता है, हेडर फाइल्स के अंदर। और इसके लिए कौन सा हेडर फाइल होता है आपका, हैश इंक्लूड math.h। तो अगर आप पाऊ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा जिसके अंदर इस पाऊ का प्रोटोटाइप डिफाइंड होगा। तो ये चीज है कि अगर आप प्री डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। ओके, अब स्कैनर प्रिंटएफ के लिए आपका दो हेडर फाइल इस्तेमाल होता ही था, हैश studio.h। अगर आपसे कोई पूछे कि ये हेडर फाइल किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इन दोनों फंक्शन के लिए। स्कैनएफ और प्रिंटएफ का प्रोटोटाइप किसके अंदर होगा, स्टूडियो के अंदर इसका प्रोटोटाइप, इन दोनों फंक्शन का प्रोटोटाइप इसके अंदर है। और पाऊ का प्रोटोटाइप किसके अंदर होता है, math.h। ओके, तो ये चीज है कि जब भी आप लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो हेडर फाइल होगा उसको इंक्लूड जरूर करिएगा। जेड की वैल्यू कंप्यूट हो गई, अब इसी को मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ पावर इज इक्वल टू %d/n,z। इसी को मैंने क्लोज कर दिया। तो ये है आपका सिंपल एक पावर का प्रोग्राम। क्या कहा कि आप दो हेडर फाइल इंक्लूड करिए, सबसे पहले स्टार्ट करिए प्रोग्राम, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताइए कितने हैं। ओके, उस वेरिएबल्स को डिक्लेयर करिए, एक मैसेज दीजिए कि हाँ आपके कौन से नंबर, कितने नंबर रीड करने हैं। तो वो मैसेज मैंने दे दिया, कंसोल पे आपका एक मैसेज आ जाएगा, इंटर टू नंबर्स, एक्स और वाई की वैल्यू रीड कर लिया मैंने, एंड देन जेड इज इक्वल टू क्या लिख दिया, पाऊ एक्स कामा वाई। जो याद रखने वाली बात है कि पाऊ के अंदर मैक्सिमम दो ही आर्गुमेंट पास किए जा सकते हैं, दो ही वेरिएबल पास किए जाएंगे। ओके, और देन जो फाइनल आंसर आया उसी को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम हो गया जिसमें मैंने क्या कैलकुलेट किया है, x^y कैलकुलेट किया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपोज अगर आपको कहा जाए कि √x कैलकुलेट करके बताइए, x^y तो आप कैलकुलेट कर लिए, कहा गया राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट √x। ओके, अगर इसकी बात करें तो जैसे पाऊ x^y नहीं लिख सकते डायरेक्ट, सेम ऐसे √ का सिंबल कीबोर्ड के किसी की के पास नहीं होता, तो इसे कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए भी प्री डिफाइंड कोई लाइब्रेरी फंक्शन बना होगा। तो हमें फार्मूले की बात करें तो मैंने क्या कहा, √x की वैल्यू निकालिएगा, उसको जेड के अंदर स्टोर कर लीजिएगा। तो टोटल कितने वेरिएबल है अब मेरे, दो वेरिएबल। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सबसे पहले हैश इंक्लूड, ये तो होगा ही मेरा क्योंकि स्कैनर प्रिंटएफ का मैं इस्तेमाल करूंगा ही। मेन दो वेरिएबल ले रहा हूं, इंट एक्स जेड। सबसे पहले लिखा मैंने प्रिंटएफ इंटर द वैल्यू ऑफ जेड, सॉरी द वैल्यू ऑफ एक्स, और स्कैन कर लिया इसकी वैल्यू, स्कैन एफ %d एंड एक्स, वैल्यू स्कैन हो गई। अब देखिए एक ही वैल्यू आपको स्कैन करनी थी क्योंकि एक्स की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी अगर आप जेड की वैल्यू निकालना चाहते हो। अब क्या लिखना है मुझे, जेड इक्वल्स टू √x, लेकिन ये √ का सिंबल तो है नहीं मेरे पास, तो प्री डिफाइन एक लाइब्रेरी फंक्शन का नाम जानिए, SQRT। ओके, फुल फॉर्म होता है स्क्वायर रूट, SQRT स्क्वायर रूट।
अब स्क्वायर रूट क्या कहता है कि मेरे अंदर मैक्सिमम और मिनिमम एक ही वेरिएबल पास किए जा सकते हैं। ये भी ध्यान दीजिए, पाउ क्या कहता है कि दो अलाउ है, और एसक्यूआरटी क्या कहता है सिर्फ एक वेरिएबल अलाउ है, एक से ना अधिक होने चाहिए और ना एक से कम होने चाहिए, एटलीस्ट वन वेरिएबल और एटमोस्ट वन वेरिएबल होना ही चाहिए। ओके, तो वही चीज है एसक्यूआरटी। एक्स निकल गया, देख दिया मैंने प्रिंट एफ, आंसर इज इक्वल टू परसेंट डी कामा जेड, इसे बंद कर दिया हमने। लेकिन अब एसक्यूआरटी भी क्या है, आपका प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन है, तो 100% इसकी भी डिफिनेशन लिखी गई होगी और लिख के कहीं ना कहीं स्टोर की होगी, और उसे मुझे सर्च करना है, और सर्च करने के लिए मैं किसके पास जाऊंगा, मैथ डॉट एच के। तो मैथ से रिलेटेड जितने फंक्शन बने हुए हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, साइन कॉस टैन पाउ एसक्यूआरटी लॉग एक्सपोनेंशियल, ये सारे के सारे फंक्शन है जो प्री डिफाइंड है। ओके, तो इन सारे फंक्शन का प्रोटोटाइप हमेशा किसके अंदर होगा, मैथ्स के अंदर। ओके, इनपुट आउटपुट से जितने रिलेटेड हैं उनका किसके अंदर होगा, स्टूडियो के अंदर। ओके, अगर आपको ऐसे ही आगे पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग से रिलेटेड जहां str दिख जाए और वो फंक्शन है, तो उसका एड्रेस किसके अंदर होगा, ना स्टूडियो के अंदर होगा ना मैथ के अंदर होगा, उसका एड्रेस होगा स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर। ओके, तो जितने प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन हैं उनका एड्रेस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होता है, आप उस फंक्शन का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी हेडर फाइल होगा उसे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड जरूर कीजिएगा। ओके, तो ये हो गया कि पाउ और एसक्यूआरटी का इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम में कैसे करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर उनको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे अगर मैंने कहा राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट या टू प्रिंट वैल्यू ऑफ जेड इफ जेड इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई टू द पावर पी। ओके, अगर ये प्रोग्राम है, क्या कर रहा है, आपको जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जेड की वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर वाई टू द पावर पी है। ओके, अब अगर मैं लिखूं एक्स टू द पावर वाई, तो एक्स टू द पावर वाई को क्या लिखा जा सकता है, पाउ एक्स कामा वाई। ओके, अब उसका भी पावर पी है, तो ये नहीं कि हाँ आप इसी के अंदर कामा पी लिख देंगे, ये क्या है, एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पाउ क्या कहता है कि मैं एक प्री डिफाइंड फंक्शन हूं और मेरे अंदर केवल दो ही वेरिएबल अलाउ है, आप इन्हीं दो वेरिएबल को पास कर सकते हैं, इसके अलावा न दो से ज्यादा होने चाहिए न दो से कम होने चाहिए। तो अगर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाए तो कैसे किया जाएगा, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करके कर सकते हैं, और या एक ही बार सोच सकते हैं कि कैसे लिखा जाए। तो चलिए पहला तरीका बता रहा हूं कि अगर आपको एक्स टू द पावर वाई टू द पावर पी निकालना है, जैसे अगर आपको कहूँ मैथ में टू द पावर थ्री टू पावर फाइव निकालना है, तो आप इसे अगर मैथ में सॉल्व करते तो पूरा एक साथ सॉल्व नहीं करते, आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते, टू टू पावर थ्री। ओके, तो वही चीज है, अगर एक्स टू पावर वाई लिखना है मुझे, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, पाउ एक्स कामा वाई, और इसे कैलकुलेट करने के बाद किसी तीसरे वेरिएबल में रख लीजिएगा, सपोज दैट इज ए। ओके, मीन्स मेरा एक्स टू द पावर वाई कैलकुलेट हो गया है और उसको मैंने किसके अंदर स्टोर कर लिया है, ए के अंदर। तो अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ ए टू द पावर पी। ओके, अगर मैंने कहा कि एक्स टू द पावर वाई, ठीक है, अगर मेरा ए हो चुका है तो मेरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, ए टू द पावर पी। ओके, अब क्या लिख सकता हूं मैं इसके लिए, पाउ ए कामा पी। ओके, इसे कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, पाउ ए कामा पी, और यही फाइनल आंसर है, और इसी को मैं किस में स्टोर कर लूंगा, जेड। तो पहला तरीका क्या है कि इस एक्सप्रेशन को मैंने ब्रेक कर दिया। ओके, कि पहले मैं एक्स टू पावर वाई निकालूंगा, उसको किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, और जो आया है आंसर उस वेरिएबल का पावर पी निकाल लूंगा। ओके, और दूसरा तरीका क्या है, क्या कहा कि आप एक्स टू पावर वाई निकालिए, तो क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स टू पावर वाई को पाउ एक्स कामा वाई।
ओके, ये चीज हो गया। अब इसी का पावर मुझे क्या निकालना है, ये टोटल मेरा सपोज ए है, ठीक है, तो अब इसी ए का पावर क्या निकालना है, पी, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया मेरा पावर पी, ओके। लेकिन तब आपको एक बार और क्या लिखना पड़ेगा, पावर, ओके। तो ये देखिए, ये टोटल एक्सप्रेशन मेरा एक सिंपल वेरिएबल ए हो जाएगा, उसी ए का पावर पी हो गया। तो आप इसे ब्रेक करके भी कर सकते हैं और एक साथ भी सोच सकते हैं, ओके। कुछ लोग कहते होंगे सर अगर मैं वाई टू द पावर पी पहले निकाल लूं, कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे पहले क्या निकालिए, पाउ वाई कामा पी, ओके। अब हो गया पाउ वाई कामा पी, ओके। अब हुआ क्या, ये किसके ऊपर होना चाहिए, एक्स के ऊपर होना चाहिए, इसका मतलब ये अब पावर है, आपका बेस क्या है, एक्स है, आप एक्स को आगे लिख दीजिए, ओके। अब एक्स टू द पावर समथिंग, आगे क्या लिख दिए, पाउ, और ये जेड की वैल्यू हो जाएगी। तो दोनों तरीका सही है, आप पहले ये नीचे वाला कैलकुलेट करके देन पावर पी कीजिए, चाहे ऊपर करके देन बेस एक्स पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, तो दोनों में से आप किसी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग की बात करें, अगर इसको अगर हम प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास वेरिएबल थोड़े ज्यादा लग जाएंगे, क्यों, देखिए एक्स वाई एक ए भी लेना पड़ेगा, इंटरमीडिएट वेरिएबल जिसका यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने, और फाइनल एक वेरिएबल हमारा क्या है, जेड है। लेकिन इस अगर प्रोग्राम की बात करें, इसमें मुझे सिर्फ उतने ही वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जितने हैं एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो टोटल कितने वेरिएबल है मेरे, चार वेरिएबल। इस प्रोग्राम को अगर हम बनाएंगे तो केवल चार वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर ब्रेक करके बनाएंगे तो टोटल वेरिएबल कितने हो जाएंगे, काउंटिंग में मेरे पांच हो जाएंगे, कैसे, एक्स वाई ए जेड और पी, तो ये चीज है। तो बस वेरिएबल थोड़े से ज्यादा लगेंगे इसमें, और उसमें एक्चुअल जितने वेरिएबल हैं उतने ही लगेंगे। तो चलिए दोनों को मैं इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं कि दोनों की अगर प्रोग्रामिंग की जाए तो कैसे की जाएगी। सबसे पहले हैश इंक्लूड, और दूसरा हुआ हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, क्योंकि पाउ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैथ डॉट एच होगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं मेन, सबसे पहले मैं इंटरमीडिएट वेरिएबल का इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, एक्स वाई पी जेड और एक ए और चाहिए आपको जो इंटरमीडिएट रिजल्ट रखेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इनपुट क्या क्या होगा, तो सिर्फ एक्स वाई और पी यही तीनों की वैल्यू आपको इनपुट देनी पड़ेगी। तो प्रिंट सिर्फ लिखिए इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड पी, स्कैन एफ परसेंट डी एंड एक्स एंड वाई एंड, अब लिखा मैंने एज इक्वल टू, सबसे पहले निकाला पाउ एक्स कामा वाई, इंटरमीडिएट एक्स टू पावर वाई को कैलकुलेट किया और उसको किसके अंदर स्टोर कर दिया, ए के अंदर। अब जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ए टू द पावर पी, वही चीज है पाउ ए कामा पी, ओके। आप चाहे तो इंटरमीडिएट को प्रिंट कराना चाहिए तो प्रिंट कराइएगा, मुझे केवल फाइनल आंसर से मतलब है। तो मैंने लिख दिया प्रिंट एफ आंसर इज इक्वल टू परसेंट डी कामा डी, ये है आपका पहला तरीका। तो प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट किया हूं मैं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ओके। अब मैं बात करूं, अगर इसी प्रोग्राम को मैंने कहा कि अब मुझे इंटरमीडिएट वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना है, एक्चुअल जितने वेरिएबल है केवल उसका इस्तेमाल करना है, तो आप ये हटा दीजिए, आप सिर्फ लिखिए जेड इज इक्वल टू, ओके। देखिए सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, एक्स टू पावर वाई पाउ एक्स कामा वाई, ओके। अब इसी का पावर क्या चाहिए, पी, ठीक है, तो पावर पी, ओके, और आगे क्या लिख दीजिए पाउ, ये हो गया आपका ये। तब इस केस में आपको ए की जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटल कितने वेरिएबल चाहिए, केवल चार वेरिएबल। तो दोनों तरीका है, आप दोनों से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप ब्रेक करके करना चाहें तो ब्रेक करके कीजिए, अगर आप एक ही प्रोग्राम में सारा बनाना चाह रहे हैं तो एक ही प्रोग्राम में सारा इम्प्लीमेंट कर लीजिए, ओके। अब बात कर रहे हैं इसी में थोड़ा सा और, अगर कहा जाए राइट प्रोग्राम टू प्रिंट जेड इफ जेड इज इक्वल टू
अंडर रूट अगर ये कहा जाए कि आप इसे इंप्लीमेंट करके बताइए कि इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। अब देखिए अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, SQRTX। ओके, अब जो आंसर आ रहा है उसका फिर से एक बार अंडर रूट है, ठीक है, तो फिर से एक बार इसको ब्रैकेट में किया और उसका एक बार और SQRT लिख दिया। अब जो आंसर आया उसका फिर से एक बार SQRT किया गया है, तो एक बार और ब्रैकेट लगाइए, दैट इज योर SQRT। तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ओके, सिंपली है, बाकी प्रोग्राम आप प्रैक्टिस खुद से कर लीजिएगा। मेन दो वेरिएबल लीजिएगा, x की वैल्यू स्कैन कीजिएगा, फिर ये लाइन होगी आपकी जेड इज इक्वल टू SQRT ब्रैकेट, पहला ये ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर अगला ये ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर अगला ये, और लास्ट में क्या लग जाएगा आपका सेमी कॉलन। ओके, तो अगर लगातार अंडर रूट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप एक बार SQRT x लगाइए, फिर उसका SQRT करिए, फिर एक बार SQRT कीजिए। ओके, बस कंपल्सरी ध्यान रखिएगा ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। ओके, तो ये चीज है कि अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि हाँ ट्रिपल अंडर रूट हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी बेसिस पे अगर पाऊ और SQRT एक साथ दिख जाए तो उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे जेड इज इक्वल टू मैंने लिखा अंडर रूट एक्स टू द पावर अंडर रूट। ओके, और इसका भी मैंने कहा होल अंडर रूट। अगर कोई इस तरह का आपके पास एक्सप्रेशन है और इसे कहा जाए कि प्रोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या है अंडर रूट एक्स। ओके, ये है अंडर रूट वाई, लेकिन इन दोनों में भी रिलेशन है कि पहले आप रूट एक्स निकालिएगा, फिर रूट वाई निकालिएगा, और फिर दोनों का पावर निकालिएगा। ओके, पावर निकालने के बाद फिर जो आंसर आएगा उसका होल अंडर रूट निकालिएगा। इसे अगर प्रोग्रामिंग में राइट किया जाए तो कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले आप अंडर रूट एक्स निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीका है, मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ, एक तो ब्रेक करके और दूसरा विदाउट ब्रेकिंग, मतलब विदाउट थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल किए। चलिए याद करिए, अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, SQRT x, और इसको किसके अंदर स्टोर कर लिया, ए नाम के वेरिएबल के अंदर। अब ये बात कर रहे हैं दैट इज योर अंडर रूट वाई, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, SQRT y, और ये क्या हो गया मेरा सपोज बी। ओके, मींस ये आपने ए के अंदर स्टोर कर लिया, इसे आपने बी के अंदर स्टोर कर लिया, तो अब बना क्या मेरा a to the power b। नेक्स्ट एक्सप्रेशन मेरा क्या हो गया a to the power b। अब इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, पाऊ a, b। लेकिन क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, नहीं, क्योंकि आपने अभी पाऊ निकाला, उस पाऊ का फिर से क्या निकालना आपको अंडर रूट। तो आप चाहे तो यही कर सकते हैं कि जब पाऊ निकाल लेना, पाऊ निकालने के बाद उसका क्या निकाल देना, SQRT, और ये फाइनल आंसर है, दैट इज माई सेट। अब इसे अगर प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया जाए तो वेरिएबल थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, कैसे, देखिए x y a b z। ओके, तो टोटल हमारे जहां 3 वेरिएबल लगने थे वहां पे मेरे टोटल 5 वेरिएबल लग जाएंगे, क्योंकि आप इंटरमीडिएट रिजल्ट किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, इसलिए वेरिएबल ज्यादा हो रहे हैं। आप चाहे तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं, कैसे, देखिए SQRT x। ओके, और फिर ये हो गया मेरा SQRT y, मैंने क्या लिखा SQRT x, और ये हो गया मेरा SQRT y। लेकिन SQRT x और SQRT y जो दोनों मैंने लिखा, इन दोनों में कुछ रिलेशन है क्या, हाँ, इन दोनों में पाव का रिलेशन है, तो ये बेस है और ये पावर है, तो बीच में क्या लगा दिया मैंने, कामा, और आगे पूरा ब्रैकेट लगा क्या लिख दिया, पाव। ओके, तो अब क्या हुआ, पाव अंडर रूट एक्स टू द पावर अंडर रूट वाई। ओके, अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, अगर मैंने कहा पहले पाव ही सॉल्व कर लो, ठीक है, तो अगर इसको पाव में लिखा जाए तो क्या लिख सकता हूँ, पाव अंडर रूट एक्स कामा अंडर रूट वाई, ये लिख सकता हूँ, और फिर इसको राइट करिए, ठीक है, तो अगर इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकता हूँ, पाव, ये तो लिख नहीं सकते, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, SQRT x, SQRT y, हो गया आसान। लेकिन क्या ये पूरा जेड की वैल्यू है, नहीं, अभी आपने केवल अंदर वाला सॉल्व किया ये पाव करके, अब इसका पूरा क्या निकालना आपको, जो आंसर आएगा उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट, तो पूरा ब्रैकेट लगाइए, क्या लिख दीजिए, स्क्वायर रूट। तो ये चीज है कि अगर कोई इस तरह का बड़ा कैलकुलेशन दिखता है तो मत सोचिएगा कि हाँ बहुत टफ है, बहुत इजी होता है, सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हाँ कहाँ अंडर रूट एक्स है। हाँ, दिक्कत कहाँ होगी, सपोज अगर आपने यहाँ पे ये लिख दिया SQRT x, y और देन पाओ, तो गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ आप सोच रहे हैं कि SQRT x, मतलब SQRT x भी हो गया, SQRT y भी हो गया, उसका पाओ भी हो गया, तो ये एरर है,
क्यों एरर है? क्योंकि एसक्यूआरटी क्या कहता है कि मैं मैक्सिमम ब्रैकेट के अंदर एक ही वेरिएबल होल्ड कर सकता हूँ, मीन्स जो आर्गुमेंट पास होगा इसके अंदर या वेरिएबल जो पास होगा सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और यहाँ पे आपने कितना इस्तेमाल किया है, दो वेरिएबल का इस्तेमाल किया, तो ये यहाँ पे मिस्टेक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि एसक्यूआरटी के अंदर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है और पाओ के अंदर दो होने चाहिए। तो कैसे पता चलेगा पाओ के अंदर? तो देखिए पाओ का ब्रैकेट ये है मेरा पाओ का ब्रैकेट। अब इस पाओ के अंदर अगर मैं पूछूं कितने टोटल एक्सप्रेशन या टोटल कितने नंबर पास किए जा रहे हैं, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो दो ही है। ये मत सोचिएगा कि मैंने दो से ज्यादा पास किया है। तो देखिए पहला वैल्यू ये होगा, दूसरा वैल्यू ये, तो दो ही वैल्यू पास किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये चीज सही है। इसे प्रोग्राम में मैं इंप्लीमेंट करके दिखा भी दे रहा हूं। क्या कहा है? z इज इक्वल टू आपको क्या निकालना है, अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई। दो हेडर फाइल इंक्लूड कीजिए, हैश इंक्लूड मेन फ्लोट भी आप ले सकते हैं। अगर मैं ब्रेक करके नहीं, सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन से इस प्रोग्राम को बना रहा हूं। अगर आप ब्रेक करिएगा तो सिर्फ ए और बी दो नाम का वेरिएबल और ले लीजिएगा और ब्रेक करके उसे लिख लीजिएगा। ओके, तो मैं एक ही लाइन में इसे सॉल्व कर रहा हूं। प्रिंटर इंटर एक्स एंड वाई, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई स्लैश एन स्कैनएफ एंड एक्स एंड वाई। अब क्या लिखा मैंने, जेड इज इक्वल टू, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा एस पाउ, और पाउ के अंदर क्या है, दो स्क्वायर रूट है, एस क्यू आर टी एक्स कामा एस क्यू आर टी वाई, और ये पाउ का ब्रैकेट बंद किया, और इस पूरे का क्या है एस क्यू आर टी, और इसी को मैंने क्या किया प्रिंट करा दिया। प्रिंट एफ आंसर इज इक्वल टू परसेंट डी कामा जेड से क्लोज कर दिया। तो ये हो गया पावर एसक्यूआरटी। तो जो मुझे अभी समझाना था सिर्फ इन्हीं दोनों फंक्शन के बारे में बताने थे कि अंडर रूट को कैसे लिखा जाता है, पाउ को कैसे लिखा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग के। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इफ एल्स पढ़ेंगे, इफ एल्स में ठीक है कुछ ऑपरेटर का इस्तेमाल करना सीखेंगे, जैसे मॉडुलस कैसे इस्तेमाल होता है। इसके पहले ऑपरेटर में मॉडुलस का मैंने यूज बताया था, उसे इंप्लीमेंट करेंगे, इफ एल्स प्रोग्रामिंग करेंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू।